पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बीकानेर बिल्कुल भी हो चुका है निकम्मा। जी हाँ, हनुमानगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जीवन नरकीय हो चुका है। कारण यही है कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए हुए हैं वे बिना शोधन के गंदा पानी छोड़ रहे हैं, चारों ओर प्रदूषण फैला रहे हैं, हवा जहरीली हो चुकी है, बदबू से बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। अवशिष्ट पदार्थों को नालियों में सीधा डाला जा रहा है। जंतर जो लगे होने चाहिए फैक्ट्रियों के अंदर जल शोधन के, वो भी लगे हुए नहीं हैं, फिर भी फैक्ट्रियाँ धनाधन रात दिन चल रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बीकानेर नोटिस के नाम पर पिछले 20 वर्षों से जनता के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है। जब भी जनता आवाज़ उठाती है बस रटा रटाया जवाब होता है कि फैक्ट्री वालों को नोटिस दिया है, मौका देखा है, पर उसके बाद क्या किया या क्या किया जाएगा, बस चुप्पी साध ली जाती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। जनता यह भी सवाल कर रही है कि पंजाब में जब ऐसे उद्योगों को सील कर दिया गया है और उन पर ताले जड़ दिए गए हैं, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ऐसी फैक्ट्रियों जो प्रदूषण फैला रही हैं उन्हें सील कब किया जाएगा। हालांकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण शासन सचिव को इस पूरे मसले की जो है घटना को बताते हुए पत्र लिखा गया है जिला कलेक्टर के द्वारा। प्रदूषण नियंत्रण बीकानेर को भी कार्रवाई करने के लिए वाद्य भी किया जाएगा और पर्यावरण के जो है जितने भी मुद्दे हैं इस पर बीकानेर कार्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए हमारे स्तर से भी पाबंद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर होने वाली बैठकों के अंदर इस मसले पर पुनः विचार कर उचित निर्णय भी लिया जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हनुमानगढ़ से पीड़ीबंगा टोल रोड जो है वो पिछले 10 सालों से पौधे नहीं लगा रही और इस मसले को कलम न्यूज के द्वारा एक वर्ष के लगभग हो चुका है उठाए हुए, अभी तक पौधे नहीं लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मसले को आगामी आने वाली बैठक में उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जो टोल कंपनी है उसके द्वारा इस पर निविदा एक बार की गई थी लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वैसे बता दें कंपनी जो टोल कंपनी है RSRDC वो इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है और पत्राचार करके अपने को टाल मटोल वाली नीति पर अड़ी हुई है। अब देखते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दे पर जिला प्रशासन गंभीर होकर इन दोनों मसलों पर आगे क्या रुख अपनाते हैं और क्या कार्रवाई करवाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैणी हनुमानगढ़। प्रदूषण वाला जो इशू है, जो औद्योगिक जितनी भी यहाँ फैक्ट्री हैं, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ यहाँ संचालित हैं, तो जीरो वाटर डिस्चार्ज का इसमें नियम है और इनको अपने छोटे लेवल पे अपने को इनको इनको प्लांट भी लगाने हैं अपने लेवल पे कि पानी को साफ़ करके वो छोड़ें। तो इसके लिए हम हर सब जो भी वीकली मीटिंग होती है उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और माननीय पर्यावरण सचिव महोदय को भी इस बारे में कलेक्टर साहब ने वार्ता करके और चिट्ठी लिख करके भी निर्देशित किया है और उनकी टीम भी आई है और उन्होंने नोटिस आदि देने की कार्रवाई भी की और गत बैठक में भी ये मुद्दा आया था तो मैंने उनको क्लियर कट कहा था कि भाई आप कब तक नोटिस देते रहेंगे, आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें और अगर कोई फैक्ट्री दोषी है तो जो दोषी होने की स्थिति में जो कार्रवाई बनती है वो करें, तो ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम राज्य सरकार को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निवेदन करेंगे। क्लर्क साहब ने पहले भी DO लेटर से अवगत कराया हुआ, अब और कार्रवाई करेंगे। सर, ये प्रदूषण का जो अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, एक भी बैठक में नहीं आया, एक साल से देखा जा रहा है, इससे संबंध में क्या कहेंगे सर? एक्चुअल में जिला स्तर पे प्रदूषण का कोई अधिकारी, इनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी कोई बैठता नहीं है और इन ये बीकानेर बैठते हैं तो इनके इनको जब जब आवश्यकता होती है, जब जब हम निर्देशित करते हैं, ये अपनी टीम भिजवा करके जाँच भी करते हैं। यहाँ ये जरूरी मैं कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना ये इशू गंभीर है और इसके लिए क्लर्क साहब ने राज्य सरकार को अवगत भी कराया, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे अगर ये उसकी ग्रेविटी को नहीं समझेंगे तो। सर, एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा पीड़ीबंगा रोड का है जो एक साल से मेरे द्वारा उठाया गया है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गत बैठक में ये जो बैठकें हुई थी उसमें इस पर चर्चा हुई थी और
जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा भी था कि स्वीकार भी किया था कि पौधे लगाए जाने थे और पौधे लगाने में उन्होंने समय लिया है और उनकी ड्यूटी थी, तो इसके लिए उन्होंने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए मीटिंग में आश्वासन भी दिया था। तो वो अगर आश्वासन उनका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वो, तो हम उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। और जो आगामी बैठकें होंगी उनमें इस इशू का, अभी समय आ रहा है कि पौधे लगाने का, तो इस इशू पे लगातार डिस्कशन भी करेंगे और इसको टेकअप कराएंगे।